एक बात ये नोट, दूसरी बात ये भी साथ साथ नोट कर लें कि अल्लाह ताला की तरफ दावत जो पैगंबर देता है वो दलाइल की बुनियाद पे देता है। कुल हाजिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबान, आप इनसे कह दीजिए कि मेरा तो मिशन फ़कत सिर्फ ये है कि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ दलाइल से। اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم। सामईन और नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज का हमारा मौजू ये है कि हम मोमिन बनने की ज़रूरत कैसे महसूस करेंगे। देखें, हर काम के लिए आपको मैंने जैसे कि कहा था कि हर काम के इंसान एक काम तब करता है जबकि वो इसकी ज़रूरत महसूस करता है। दुनिया में भी आप देखें, कोई भी छोटे से छोटा काम जो है आप बिना ज़रूरत के नहीं करते, और अगर कोई करे भी कोई काम बिना ज़रूरत तो आप उसे टोक देते हैं। आपको मैं मिसाल देता हूँ, दिन का वक्त है, रात को मोटरसाइकिल मैंने चलाई है और बत्ती मैं भूल गया बंद करना, और फिर सुबह के वक्त मैंने मोटरसाइकिल निकाली और बत्ती जली हुई थी क्योंकि वो कोई मुझे बीप तो नहीं देती, मुझे नज़र भी नहीं आती कि बत्ती जली हुई। तो अगर मैं बाज़ार में जाता हूँ इसी हालत में कि बत्ती जल रही है तो 10 आदमी मुझे इशारा करेंगे कि बत्ती बंद कर दो, कहेंगे कि नहीं। इसका क्या मतलब है कि इंसान बिला ज़रूरत काम न करता है न करने देता है, कोई करे तो उसे टोकता है। बत्ती की एक अच्छी मिसाल है। तो फिर यह है कि आप इस तरीके से यानी इंसान जो है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखें, हमारी जो फितरत है, इंसान की फितरत है कि बिना ज़रूरत के ये काम नहीं करता, कोई काम भी नहीं करता। अब ज़रूरियात जो है वो अच्छी हों या बुरी हों, तो मसला ये है कि देखें, ये बातें सोचने और समझने की हैं। अल्लाह ताला ने क़ुरान में अपनी निशानियां बयान की हैं और उसके बाद कहा है कि इन नफ़ी ज़ालिका लआयातिल लिउलिल अलबाब, कि मैंने ये जो निशानियां बहुत जी का अल्लाह ताला ने की, इन नफ़ी खल्क समावात वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वन नहार बल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर बिमा यनफउन नास वमा अनज़ल अल्लाह मिनस समाई मिन माइन फअहया बिहिल अर्द बाद मौतिहा लआयात लिउलिल अलबाब। हुक्मा क़ाल हैसियत है कि उसमें अल्लाह ताला कहते हैं इसमें निशानी है लेकिन अक्लमंदों के लिए, जो अक्ल से काम लेते। तो एक बात तो नोट कर लें कि इस्लाम को अगर आपने फॉलो करना है तो आपने सोचना होगा और समझना होगा, एक बात ये नोट। दूसरी बात ये भी साथ साथ नोट कर लें कि अल्लाह ताला की तरफ दावत जो पैगंबर देता है वो दलाइल की बुनियाद पर देता है। कुल हाजिही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबान, आप इनसे कह दीजिए कि मेरा तो मिशन फ़कत सिर्फ ये है कि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ दलाइल से। अब दलील का ताल्लुक तो अक़ल से है ना। अना व मन इत्तबान, मैं और मेरे जो भी पैरोकार हैं वो भी दलाइल से बात करते हैं। तो अगर देखें, अगर आपने धोखा खा लिया तो कोई अकल कोई दलील आपके लिए काम की नहीं है। अगर आप धोखा खा गए, 5000 के नोटों की गड्डी है आपको किसी ने दे दी, मिसाल के तौर पे कितने है, 5 लाख हो गए ना, यानी 10 लाख हो गए, 5 लाख है ना। तो अगर आपने उस पर धोखा खा लिया कि ये असली है नोट, तो फिर आपका यकीन आ गया, तो फिर कोई भी अगर आपको कहे कि ये तो फेक हैं, ये हैं वो हैं, आप कहते हैं मैंने तो देख लिया, अच्छी तरीके से देख लिया है, सब निशानियां मौजूद हैं इसमें नोटों की, जो निशानियां हैं मशीन में भी मैंने देख लिया है, और वो हकीकत में फेक हों और आपने मशीन से भी गुजार लिया है, तो आप यकीन करेंगे कि ये नोट फेक हैं, नहीं करेंगे ना। ये मतलब ये मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपने मशीन से भी गुजार लिया, अब हमने अकल की मशीन से दुनिया को देख लिया कि ये सच है ये हक है और यही कामयाबी है,
अब कोई पैगंबर आपको आके अगर पैगंबर भी बताए तो पैगंबर को झुटलाए नहीं है। सारे पैगंबर कुरान में लिखा है कुल्लुन कद कज़्ज़बर रुसुल, हर पैगंबर की दावत को झुटला दिया गया। पैगंबर यही कहता है दुनिया की ज़िंदगी तो बस एक आर्जी तमाशा है, मताउल गुरूर है, इस पे धोखा मत खाओ, इससे तुमने चले जाना है और एक असल ज़िंदगी की तरफ लौटना है। लेकिन पैगंबर मक्के में 13 साल तक क्या हुआ, उनकी तस्दीक तो नहीं की गई, पैगंबर की झुटला दिया गया। पैगंबर की दावत क्या थी कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, असल माबूद तो अल्लाह है, असल फ़ायदा और नुकसान देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, तुमने इन बुतों को कैसे बना लिया। तो ये बात उनकी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वो धोखा खा चुके थे, अक़ल की मशीन से हर चीज़ को अक़ल की मशीन से देख रहे थे। अब शैतान ने भी धोखा खा लिया, धोखा क्या खाया कि मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करूँगा, लेकिन हुक्म किसका था, शैतान ने धोखा खा लिया ना। चलें एक अच्छा गुमान कर लें कि वो सबसे बड़ा आबिद था, लेकिन उसने तो धोखा खा लिया अपने अकल से देखा। लेकिन कुरान के हिसाब से ये बात तो नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, कुरान के हिसाब से कहा कि उसने ज़ाहिर को देखा, आना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। तो बहरहाल मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि फेक अगर आप धोखा खा लें तो फिर किसी की बात आप सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज अगर हमने, आज मुसलमान उम्मत ने धोखा खा लिया है जाहिर का कि ये असल है। अब ये आप मुझे बताएं कि आज ऐसी सूरत-ए-हाल है कि नहीं, उम्मत के बारे में मैं कह रहा हूँ आपको, हम सब ने धोखा खा लिया है दुनिया के बारे में, धोखे में पड़ गए कि नहीं पड़े, कि यही मैं, यही हूँ मैं, बच्चा हूँ मैं, जवान हूँ मैं, बूढ़ा हूँ मैं, औरत हूँ मैं, लड़की हूँ मैं, बूढ़ी हूँ, यही कहते हैं ना, मेरे पास माल है मेरे पास नहीं है, मेरे बच्चे हैं मेरे बच्चे नहीं है, यही हम जाहिर के धोखे में पड़े हुए हैं। तो ये एक बात नोट कर लें कि अगर आप जाहिर के धोखे पर आपने यकीन कर लिया, इससे अल्लाह ताला ने हमें रोका है कि तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाल दे, और धोखे में हम पड़ गए। आप देख लें हम सब का रुख जो है, यानी आप दुनिया फिर लें, फिरने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप इधर उधर इधर देख लें, दाएं देख लें बाएं देख लें, सब सब लोग दुनिया के धोखे में हैं, सब लोगों का रुख दुनिया की तरफ है, जाहिर की तरफ है। क्या हाल है भाई, जब दोस्त पुराने मिलते हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, कारोबार चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, मैंने घर वर बना लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया, अल्लाह का बड़ा करम है, बस ऐसे कोई बात करते हैं तो बस यही बस वो है, यानी बस यही इन ही इल्ला हयातुन। अब ये सोच जो है ये काफिराना सोच है, ये काफिराना सोच कुरान के हिसाब से। क्या कहते थे भाई, जिंदगी है तो बस यही है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। हम जबान से नहीं कहते ये, लेकिन हम अमल से, जो हम अमल में जिंदगी गुजार रहे हैं उससे ये लगता है कि बस इसकी तो यही जिंदगी है, इसी को ये कामयाबी और नाकामी की बुनियाद करार दे रहे। इन ही इल्ला हयातुन दुनिया, बस यही जिंदगी है। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है। तो अगर धोखे में बढ़ गए, अगर आप धोखे में आ गए तो फिर आप मोमिन बनने की ज़रूरत महसूस ही नहीं करेंगे। ये एक बात इब्तदाई तौर पे नोट कर लें, अगर दुनिया जाहिर के धोखा अगर आपको लग गया और आप उससे निकलने की कोशिश भी नहीं की, वो कैसे करेंगे या वो तो एक अलग मौजू है, इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं, लेकिन अगर दुनिया का धोखा लग गया कि बस यही है मैं यही हूँ बस, तो फिर आप मोमिन लाख पैगंबर भी अगर आपको कहें, देखें कुरान तो पढ़ा जा रहा है, पैगंबर की बातें हैं लेकिन किसी का यकीन तो नहीं आता। अर राशि वल पुरतशी फिन्नार है, रिश्वत लेने और देने वाला लो, अब रिश्वत ख़त्म है, पाकिस्तान के लोग रिश्वत लेते नहीं, सारा माशरा ही ऐसा है, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो। बहरहाल बात करते हैं वक्फे के बाद।
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.